हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो अभी अभी जो एक लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि बेजूस जो है वो गेट कैटेगरी को स्टॉप कर रहा है। तो जितने भी जो फैकल्टी लोग हैं, आई थिंक उन सबको फायर कर दिए। तो अब वो सिर्फ रिकॉर्डेड पोस्ट बेचेगा, ऐसा करके कुछ न्यूज आ रहा है। फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जहाँ तक मेरे जो सोर्सेस हैं उनके अकॉर्डिंग बेजूस पूरा बंद कर चुका है गेट कैटेगरी को, क्योंकि उसका PNL नहीं हो रहा होगा, प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा होगा गेट कैटेगरी में। और बेजूस का पिछले आप 2 साल से अगर देख रहे होंगे तो सिर्फ नेगेटिव न्यूज आ रहा होगा, है ना। ईडी का केस चल रहा है, या फिर इन जनरल बहुत सारी उनकी बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है। सब बहुत सारी न्यूज जो आ रहे हैं हर जगह से आप देख रहे होंगे। उनका जो वैल्यूशन है वो भी बिलियन से मिलियन में आ गया, बहुत बड़ी बात हो गई। तो एडटेक कंपनी का ये वाला पार्ट तो है। अब शाहरुख खान को लेके तो अगर आप बनाओगे तो मेरे को नहीं लगता है कि शाहरुख खान को देख के कोई कोर्स लेता हो। शाहरुख खान को देख के लोग एक्टिंग सीख सकते हैं, लेकिन शाहरुख खान को देख के कोई कोर्स क्यों ले? अगर आप ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बना दोगे, महेंद्र सिंह धोनी को बना दोगे, उनको देख के कोर्स क्यों परचेस करेंगे? हाँ, अगर वो किसी जूते का अगर ब्रांड अगर में अगर वो है, तो अगर मेरा बेटा अगर स्पोर्ट्स में जाएगा, क्रिकेट उसको पसंद है, तो मैं वो जूता जरूर खरीदूंगा जो विराट कोहली पहना होगा या महेंद्र सिंह धोनी पहना होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कभी कभी हम किसी सेलिब्रिटी को ऐसा ले लेते हैं, तो चाहे वो स्पोर्ट्स मैन हो, चाहे फिर वो आप एक्टर को ले लो, लेकिन उससे आप पैसा ही बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो। उसकी जगह पे आप अच्छा प्लान कर सकते थे। ये किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे फिर कोई एकेडमी हो, चाहे फिर बेजूस हो, किसी को भी नहीं करना चाहिए। बिकॉज इसको देख के कभी भी स्टूडेंट इंटरटेनमेंट में तो हो जाता है कि इंटरटेनमेंट लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको देख के कोई कोर्स नहीं ले। इसलिए आप हमेशा अपने टीम में से एक हीरो को क्रिएट करो, हीरो को क्रिएट करो। ये वाला चीज जो है वो PW अच्छा करता है। इस वाले पॉइंट पे मैं PW की बड़ाई करूंगा कि PW जो है वो किसी भी एक्टर या किसी भी स्पोर्ट्समैन को लेके नहीं आगे बढ़ता, मतलब उन पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो उसके पास यूट्यूब की पॉपुलरिटी और अलक पांडे सर की पॉपुलरिटी है, तो वो उसके पास एक प्लस पॉइंट है। अब ये देखना पड़ेगा कि एडटेक में अब 2 ही लोग बचे, अनएकेडमी और PW। देखते हैं कौन कैसा क्या करेगा। दोनों की प्लानिंग अलग, प्लानिंग जो है वो अलग है, दोनों की सोच अलग है। और अप टू 12th तक जो बड़ा पैसा आता है उसमें ऑनलाइन में ज़्यादा पैसा आने की पॉसिबिलिटी डे बाई डे कम होती जा रही है, क्योंकि पेरेंट्स का रुझान कम होते जा रहा है। बात पैसे की नहीं है, पेरेंट्स तो 1 लाख रुपये देने को भी रेडी है, देता ही हो तो कोटा जाके 1 लाख रुपये देता ही है, और 1 साल रहने का तो 2 लाख रुपये देने को पेरेंट्स रेडी है। तो जो बच्चे गरीब तबके से आते हैं वो लोग कंप्लीमेंट्री सामान ले लेते हैं, कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस जो बड़े कम में मिलता है। मैं अप टू 12th तक की बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पेरेंट्स इन्वॉल्व है वो ऑफलाइन में जाते हैं, तो इनका भी जो रेवेन्यू है वो भी डे बाय डे डिक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर है, बड़ा जो चंक है, वो अप टू 12th तक का है। जैसे हम 12th के आगे जाते हैं, मतलब इंजीनियरिंग की बात करें, मेडिकल की बात करें, कॉमर्स की बात करें, जैसे ही हम अबाउट 12th जाते हैं, बच्चे के हाथ में जब पावर आ जाती है, मतलब स्टूडेंट के पेरेंट डिसाइड नहीं करते, तो फिर बच्चा अब ना थोड़ा सा वैसा दिखता है कि कहाँ पे मेरे को कम में मेरा काम हो जाएगा। पेरेंट्स से अगर वो 20,000 रुपये लेता भी होगा तो वो ये देखता है कि मेरा 5,000 में काम कहाँ हो रहा है, 6,000 में काम कहाँ हो रहा है, 3,000 में काम कहाँ हो रहा है, बाकी का पैसा मैं बचा लूँ, कोई ना कोई दूसरे काम में ले लूँ। तो इसलिए जो ग्रेजुएशन लेवल की जो बात है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जब हम बात करते हैं, तब तो ऑनलाइन जो है वो डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है, और ऑनलाइन के कारण कोर्सेज के प्राइस और ये हो गए। अब ऑनलाइन में भी वहाँ पे सर्वाइवल टफ हो रहा है, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है और ग्रेजुएशन लेवल की बात चल रही है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है, प्राइसेस भी कम है, तो वहाँ पे भी सर्वाइवल वाला पार्ट टफ हो रहा होगा। तो जस्ट मैं यही बोलूँगा कि बाकी लोग भी केयर करें, जो 2 कंपनी है वो भी केयर करें, किस तरीके से करें करके ये देख ले वो कि किस मॉडल पे काम करना है, कितना अच्छा काम करना है। आने वाला समय जो है वो हमारे गेट इंडस्ट्री में तो आप जानते हैं कि इंजीनियर्स लोगों को यूट्यूब से सब कुछ मिल जा रहा है, यूट्यूब से वो पढ़ाई कर सकता है, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट फ्री है। कुछ लोगों को स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो वो कोर्सेज के साइड जाते हैं, वहाँ पे भी वो ज़्यादा पैसे देना नहीं चाहते। जैसे अभी आप देखोगे लेटेस्ट में तो अभी अनएकेडमी भी अपना कोर्स का प्राइस कम करी, आई थिंक वो कुछ दिनों के लिए कम की होगी, थोड़ा सा बढ़ाएगी, बट फिर भी मेरे को लगता है कि 12,000 में कोर्स अगर वो सेल कर रही है तो 12,000 एक अच्छा नंबर है, मतलब 12,000 कोर्स का प्राइस ज्यादा नहीं है। लेकिन उनके लिए ये बिजनेस जो है वो सस्टेन करना टफ हो जाएगा गेट कैटेगरी में, जब वो 11-12 हज़ार में खेलते रहेंगे।
ठीक है, क्योंकि उनका आइकॉनिक कोई लेता नहीं होगा, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है उसमें कोई जाता नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा कोई जाता नहीं होगा। तो अब ये आने वाले समय में अगर वो 20,000 करेंगे इसी 12,000 को, तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि इंडिया में एक बार प्राइस अगर आप कम कर दिए तो आपको बढ़ाना बहुत टफ हो जाएगा, स्पेशली इंजीनियर के केस में तो मैं एकदम जानता हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता है। अभी लोग गुस्सा हो रहे होंगे कि 20,000 का कोर्स था, 12,000 में आप दे दे रहे हो करके। तो ये तो ठीक है, सबका अपना अपना पार्ट है, कंपनी के अपने अपने पॉलिसी है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी आगे चीज़ें कैसे जाएगी, कैसे चीज़ें चलेगी। तो ये कोई गुड न्यूज़ नहीं है, बेजूस का गेट कैटेगरी को बंद कर देना, इसका मतलब है कि जो टीचर्स थे उनका सर्वाइवल टफ हो चुका है। अब जो बेजूस से टीचर होंगे, या तो वो अपना स्टार्ट करेंगे या दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, जब दूसरी जगह अप्लाई करेंगे तो जहाँ पे अप्लाई करेंगे उनको भी पता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो भी कॉस्ट कटिंग में जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग लोग रहे उनकी भी कॉस्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि जब एक इंस्टीट्यूट के पास जब टीचर्स ज़्यादा हो जाते हैं या उसके पास ऑप्शन ज़्यादा आ जाते, तो वो फिर कॉस्ट कटिंग में जाता है टीचर्स के, टीचर्स भी क्या ही कर लेंगे। तो ये एक चीज़ है। तो नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट का ज़्यादा रहना हमेशा टीचर के फेवर में रहता है, नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट का कम होना टीचर के फेवर में नहीं रहता। तो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी गेट कैटेगरी वाले जो टीचर है वो अपने लिए प्लान बी बनाना चालू करें, ऐसा ना हो कि जब चीज़ें पूरी निपट जाए तो प्लान बी बना रहे। जैसे जो बेजूस में जो टीचर्स थे उनसे मेरी जब बात होती थी तो मैं हमेशा बोलता था प्लान बी बना के रखो, क्योंकि कभी ना कभी तो गेट कैटेगरी बंद होगी ही, ये तो क्लियर ही था, क्योंकि उनका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा, उनका यूट्यूब में प्रेजेंस नहीं है, उनके बारे में कोई बात भी नहीं होती है, जब गेट की बात होती है तो उनका कोई डिस्कशन नहीं होता। तो वैसे चीज़ें समय समय के साथ चीज़ें चेंज होती जाती है। जैसे एक ज़माने में ऑफलाइन में एस अकेडमी का इतना नाम था, आज की डेट में एस अकेडमी का कोई नाम है क्या? कोई नाम नहीं, ऑफलाइन कोई करता ही नहीं और ऑनलाइन में उनका प्रेजेंस नहीं है, और ऑफलाइन कौन पैसा देना चाहता है, इंजीनियर्स को देना नहीं चाहता, ऐसा मेरे को लगता है। तो स्टूडेंट लोग अपनी स्टडी करते रहे, यकीनन मैं बता रहा हूँ कि फ्री कंटेंट है यूट्यूब का, उसको सही तरीके से यूज करे, स्मार्ट स्टडी करे, ये सब तो होते रहेगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा पैसे देने की कोशिश ना करें, मतलब कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो आप मिनिमम प्राइस में जहाँ पे भी आपका काम हो सकता है वहाँ पे करें। अनअकैडमी का अगर मैं बात करूँ तो 12,000 ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्राइस नहीं है। पीडब्ल्यू का प्राइस भी 5,000-6,000, 6,000 के आसपास होगा, ये भी बहुत बड़ा प्राइस नहीं है। जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, एक दिल्ली का जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वो 90,000 1 लाख रुपये लेता है, वहाँ आप कोई नहीं देगा 90,000 1 लाख, आप कौन देगा? अरे इंजीनियर के पास 1 लाख रुपये कहाँ से आएगा, आ ही नहीं सकता है, यकीन मानिए आ ही नहीं सकता है। तो ये तो एक पॉइंट है, तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि अभी स्टूडेंट कैसे करें। तो देखो यूट्यूब में भी क्या है कि आने वाले समय में हो सकता है यूट्यूब का भी आपको फिर सब्सक्रिप्शन लेना पड़े, अभी तो फ्री है सब यूट्यूब। तो जो आपका समय चल रहा है स्टूडेंट का, जो आपको फ्री मिल रहा है उसमें आप एडवांटेज ले, नोट्स बनाए फटाफट, एग्जाम अच्छा क्लियर करके बाहर निकले, सब तो चलते रहे, ठीक है। तो ये हमारे गेट इंडस्ट्री का तो ये फ्यूचर ही है, जॉब की पॉसिबिलिटी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट है नहीं, इसलिए भी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, एमटेक करने जाए, पीएससी में जाए, पीएससी में नंबर ऑफ सीट्स कम है, पीएससी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है कितना वो लोगों को अपन देने वाला है, पॉसिबिलिटी जॉब्स देने वाला है। एमटेक करके भी लोग सोच रहे 2 साल कौन पढ़ेगा, 2 साल में फीस, भले चाहे एमटेक में तो स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी तो धीरे धीरे लोगों का जो है इंटरेस्ट कम होते जा रहा है। अब जब इंटरेस्ट कम होते जाएगा तो ये चीज़ें तो होगी, तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल है गेट इंडस्ट्री का जो मॉडल है ये कोलैप्स करने की सिचुएशन में, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो खुद भी वरी कर रहे होंगे कि यार हम अच्छे अच्छे लोग हैं अब कैसे होगा करके। तो ये बात तो सच है। कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा भी दिख रहा होगा क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, बट सेम वही हो गया कि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है जितने जितने स्टूडेंट्स हैं उतने लोग गेट नहीं दे रहे, बिकॉज कंप्यूटर साइंस का जो इंटरेस्ट है वो गेट साइड में उतना ज़्यादा नहीं है जितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको लगता है कोडिंग कर लेंगे, किसी कंपनी में कुछ बड़ा सा क्रिएट कर लेंगे, तो वो लोग गेट साइड उतना जा नहीं रहे। तो और वो भी धीरे धीरे क्या होगा कि सब लोग कंप्यूटर साइंस ले लिए, तो आगे चल के कंप्यूटर साइंस के लिए भी जॉब के लिए प्रॉब्लम आने वाली है अगले 3-4 साल के अंदर में। कंप्यूटर साइंस की भी सिचुएशन वही होगी जो सिविल मैकेनिकल वालों की है। तो अभी अभी दूसरे ब्रांचेस में तो कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, तो मेरे को लगता है कि लोगों को प्लान बी के साथ जाना चाहिए, है ना। ये हमारे इंडस्ट्री के लिए अच्छा साइन नहीं है कि बेजूस का गेट कैटेगरी में मतलब उसका स्टॉप करना, ठीक है, पूरे टीचर को ले ऑफ कर देना, बट ये मेरे सोर्सेज के थ्रू है और मैं 99% श्योर हूँ कि ऐसा हो रहा है, ऐसे होने जा रहा है, और ऑफिशियली हो सकता है बाहर ना निकला हो, लेकिन जो लोग हैं उनसे मेरी बात हुई तो ऐसा क्लियर है। तो लेट्स सी कि आप अपने डिसीजन कैसे लेते हो, तो अपने डिसीजन सोच के लीजिए, जो आपको करना है आप कीजिए, जिसका कोर्सेस लेना है उसका कोर्स लीजिए, आप ध्यान से अपना प्लान कीजिए, ठीक है। तो स्पेशली केयर कीजिए अपना। ओके, थैंक यू।